इट इज आवर नेक्स्ट लेक्चर ऑन न्यूक्लियर केमिस्ट्री एंड रेडियो एक्टिविटी। न्यूक्लियर केमिस्ट्री का पार्ट हमने देखा लास्ट टाइम, नाउ वी विल स्टडी अबाउट द रेडियो एक्टिविटी। अब जो एलिमेंट्स हैं, यूरेनियम है, रेडियम है, ये यूरेनियम और ये रेडियम, दीज एलिमेंट्स आर रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स एंड दीज एलिमेंट्स आर अनस्टेबल। एलिमेंट अनस्टेबल है, इसका मतलब द न्यूक्लियस इज अनस्टेबल। यूरेनियम न्यूक्लियस और रेडियम न्यूक्लियस, दीज न्यूक्लियाई आर अनस्टेबल एंड द फेनोमेनन इन विच द न्यूक्लियाई स्पॉन्टेनियसली इमिट अ न्यूक्लियर पार्टिकल एंड गामा रेडिएशन। द फेनोमेनन इन विच द न्यूक्लियाई स्पॉन्टेनियसली इमिट अ न्यूक्लियर पार्टिकल, न्यूक्लियर पार्टिकल एंड गामा रेडिएशन, न्यूक्लियर पार्टिकल एंड गामा रेडिएशन ट्रांसफॉर्मिंग टू अ डिफरेंट न्यूक्लाइड इज कॉल्ड रेडियो एक्टिविटी। व्हाट इज रेडियो एक्टिविटी, एक मार्क का क्वेश्चन बनता है ये। डिफाइन रेडियो एक्टिविटी, द फेनोमेनन इन विच द न्यूक्लिया स्पॉन्टेनियसली इमिट अ न्यूक्लियर पार्टिकल एंड गामा रेडिएशन ट्रांसफॉर्मिंग टू अ डिफरेंट न्यूक्लाइड इज कॉल्ड रेडियो एक्टिविटी। द एलिमेंट्स विच अंडरगो न्यूक्लियर चेंजेस आर रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स, दीज एलिमेंट्स आर रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स एंड द रेडियो एक्टिविटी इज रिलेटेड टू द न्यूक्लियस। न्यूक्लियस से रिलेटेड है इसलिए इसकी स्टडी हम करते हैं इन दिस ब्रांच, दैट इज इन न्यूक्लियर केमिस्ट्री। एंड द रेडिएशंस इमिटेड आर द अल्फा पार्टिकल्स, बीटा पार्टिकल्स एंड गामा रेज। अल्फा, बीटा और गामा, दीज आर रेडियो एक्टिव, सॉरी दीज आर रेडिएशंस इमिटेड बाय रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स। अब यहाँ पे पहले ये इनको अल्फा रे, बीटा रे, गामा रे, रे ये ऐसा कहा जाता था, लेकिन बाद में क्या डिस्कवर हुआ कि अल्फा इज अ पार्टिकल एंड बीटा इज अ पार्टिकल। पार्टिकल नेचर है अल्फा रे का, बीटा रे का पार्टिकल नेचर है एंड इट इज रे। इनका जब मैग्नेटिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई होगा तो इनका डिफ्लेक्शन होगा। देयरफॉर दीज पार्टिकल्स आर चार्ज्ड, दीज रेज आर चार्ज्ड पार्टिकल्स। तो यहाँ पे अब हम इसको कहेंगे अल्फा पार्टिकल, बीटा पार्टिकल और इट इज रे। ये विदाउट एनी डिफ्लेक्शन ये पूरा सीधा चली जाएगी, इसलिए इसको हम गामा रे कहेंगे। नाउ नेक्स्ट है रेडियो एक्टिव डीके। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ रेडियो एक्टिव डीके? रेडियो एक्टिव डीके, द प्रोबेबिलिटी ऑफ डीके ऑफ अ रेडियो एलिमेंट डज नॉट डिपेंड ऑन द स्टेट ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन, टेम्परेचर, प्रेशर, प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट और इवन द एज ऑफ द न्यूक्लियस। जो रेडियो एक्टिव डीके होता है, डीके मतलब जब रेडियो एक्टिव न्यूक्लियस में से अल्फा पार्टिकल इमिट होगा, बीटा पार्टिकल इमिट होगा, गामा रे इमिट होगी, इसका मतलब जो रेडियो एक्टिव एलिमेंट है इट अंडरगोज डीके प्रोसेस, डीके हो रहा है वो। वन न्यूक्लियस इज कन्वर्टेड इनटू अनदर न्यूक्लियस, इसको कहा जाता है डीके प्रोसेस। तो जो रेडियो एक्टिव डीके का प्रोसेस रहता है इट डज नॉट डिपेंड ऑन द स्टेट ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन, टेम्परेचर, प्रेशर, प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट और ऑन द एज ऑफ द न्यूक्लियस। नाउ नेक्स्ट टर्म हम देखते हैं यहाँ पे, दैट इज रेट ऑफ डीके। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ रेट ऑफ डीके? अब रेट, स्पीड, वेलोसिटी,
रेट। अब यहाँ पे क्या है, द रेट ऑफ डीके ऑफ रेडियो एलिमेंट डिनोट्स द नंबर ऑफ न्यूक्लियाई ऑफ इट्स एटम्स विच डीके इन यूनिट टाइम। इट इज ऑल्सो कॉल्ड एक्टिविटी, इट इज ऑल्सो कॉल्ड एक्टिविटी ऑफ रेडियो एलिमेंट। जो रेट ऑफ डीके रहेगा इट इज ऑल्सो नोन एज एक्टिविटी ऑफ रेडियो एलिमेंट। एंड इफ डी एन इज द नंबर ऑफ न्यूक्लियाई दैट डीके विद इन द टाइम इंटरवल डी टी, देयर फोर द रेट ऑफ डीके एट एनी टाइम इज गिवन बाय रेट ऑफ डीके और इट इज ऑल्सो नोन एज एक्टिविटी इज इक्वल टू माइनस डी एन अपॉन डी टी, माइनस डी एन अपॉन डी टी। इट इज नोन एज रेट ऑफ डीके, इट इज द नंबर ऑफ न्यूक्लियाई अंडरगो डीके प्रोसेस विद इन दिस टाइम इंटरवल, देयर फोर रेट ऑफ डीके इज इक्वल टू माइनस डी एन अपॉन डी टी। दिस निगेटिव साइन इंडिकेट्स दैट अमाउंट डिक्रीजेस, इसलिए यहाँ पे ये निगेटिव साइन यहाँ पे लगी हुई है। अब यहाँ पे ये सिर्फ यहाँ पे रेट ऑफ डीके दिखाने लगे माइनस साइन लगेगी। अब जब रेट हमेशा पॉजिटिव वैल्यू रहेगी और जो रेट ऑफ डीके है, द रेट ऑफ डीके इज एक्सप्रेस्ड इन डिसइंटीग्रेशंस पर सेकंड, ये इसकी हम यूनिट बताएंगे। रेट ऑफ डीके इज एक्सप्रेस्ड इन डिसइंटीग्रेशंस पर सेकंड। नाउ नेक्स्ट टर्म इज रेट लॉ। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ रेट लॉ? रेट ऑफ डीके ऑफ रेडियो एलिमेंट, रेट ऑफ डीके ऑफ रेडियो एलिमेंट, रेट हमने क्या लिखा है यहाँ पे, माइनस डी एन अपॉन डी टी। इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द नंबर ऑफ न्यूक्लियाई प्रेजेंट एट दैट इंस्टेंट, एट दैट टाइम। ये रेट लॉ। अब ये जो प्रोपोर्शनल ये साइन है इसको हम इज इक्वल टू के साथ जब लिखेंगे यहाँ पे इस इक्वेशन को, माइनस डी एन अपॉन डी टी इज इक्वल टू लैम्डा एन। इट इज प्रोपोर्शनलिटी कॉन्स्टेंट एंड इट इज नोन एज डीके कॉन्स्टेंट, प्रोपोर्शनलिटी कॉन्स्टेंट एंड इट इज नोन एज डीके कॉन्स्टेंट। अब यहाँ पे क्या है, रेट लॉ माइनस डी एन अपॉन डी टी, इट इज ऑल्सो नोन एज रेट ऑफ डीके और एक्टिविटी। इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ न्यूक्लियाई प्रेजेंट एट दैट टाइम। ये जो टाइम में डीके हो रहा है उस टाइम में नंबर ऑफ न्यूक्लियाई प्रेजेंट एट दैट इंस्टेंट ऑफ टाइम। अब यहाँ पे एक्सप्रेशन हम निकालते हैं फॉर डीके कॉन्स्टेंट, एक्सप्रेशन फॉर डीके कॉन्स्टेंट। एक्सप्रेशन फॉर डीके कॉन्स्टेंट, डीके कॉन्स्टेंट इज रिप्रेजेंटेड बाय लैम्डा। यहाँ पे इक्वेशन हम लेते हैं डी एन अपॉन एन, निगेटिव साइन के साथ है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एन, इस साइन को हटाएंगे हम, माइनस डी एन सॉरी डी एन अपॉन डी टी। इट इज डी टी माइनस डी एन अपॉन डी टी इज इक्वल टू लैम्डा एन, ये लैम्डा एन है। अब यहाँ इस इक्वेशन को हम रीअरेंज करते हैं, हाउ विल यू रीअरेंज, माइनस डी एन अपॉन एन इज इक्वल टू लैम्डा टी। ये इक्वेशन को रीअरेंज किया हमने। नाउ इंटीग्रेट दिस इक्वेशन इन बिटवीन प्रॉपर लिमिट्स, इस इक्वेशन को हम इंटीग्रेट करेंगे, इंटीग्रेशन ऑफ डी एन अपॉन एन इन बिटवीन प्रॉपर लिमिट्स एन जीरो टू एन टी इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ लैम्डा टी इन बिटवीन जीरो टू टी। इट इज जीरो टाइम, एट जीरो टाइम इट इज द इनिशियल अमाउंट ऑफ रेडियो एक्टिव एलिमेंट
एट टाइम टी, इट इज द अमाउंट रिमेनिंग एट टाइम टी। अब यहाँ पे इंटीग्रेशन ऑफ डी एन अपॉन एन, इट इज एल एन एन इन बिटवीन लिमिट्स एन जीरो एन टी, निगेटिव साइन वैसे ही रखेंगे हम, इज इक्वल टू, इट इज द कॉन्स्टेंट, इट इज आउटसाइड ऑफ इंटीग्रेशन साइन, इंटीग्रेशन ऑफ इट इज डी टी, सॉरी इट इज डी टी, डी टी इंटीग्रेशन ऑफ डी टी इन बिटवीन लिमिट्स जीरो टू टी। नाउ माइनस एल एन एन इन बिटवीन लिमिट्स एन जीरो टू एन टी इज इक्वल टू लैम्बडा, इंटीग्रेशन ऑफ डी टी इज टी इन बिटवीन लिमिट्स जीरो टू टी। अब ये वैल्यूज रखेंगे हम, लिमिट अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट हम रखते हैं यहाँ पे, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट माइनस एल एन एन टी माइनस एल एन एन जीरो इज इक्वल टू लैम्बडा टी, टी माइनस जीरो इट इज इक्वल टू टी। एल एन मीन्स इट इज नेचुरल लॉगरिथम, नेचुरल लॉगरिथम इट इज ऑल्सो नोन एज लॉग टू द बेस ई, नेचुरल लॉगरिथम दैट इज लॉग टू द बेस ई। नाउ इसको हम, ये बीच में माइनस साइन है, एल एन एन टी अपॉन एन जीरो इज इक्वल टू लैम्बडा टी, इस निगेटिव साइन को हम हटाएंगे, जब निगेटिव साइन हम हटाएंगे तो यहाँ पे दिस एक्सप्रेशन बिकम्स एल एन एन जीरो अपॉन एन टी इज इक्वल टू लैम्बडा टी, ये इक्वेशन है अपने पास एंड इट इज द एक्सप्रेशन फॉर डीके कांस्टेंट, डीके कांस्टेंट का एक्सप्रेशन है ये। अब यहाँ पे ऐसा भी लिख सकते हैं हम, लैम्बडा इज इक्वल टू वन अपॉन टी एल एन एन जीरो अपॉन एन टी, इट इज नेचुरल लॉगरिथम। हम जो लॉग टेबल यूज करते हैं वो बेस टेन के फॉर्म में रहता है, इसलिए इस नेचुरल लॉगरिथम को हम बेस टेन में पहले कन्वर्ट करेंगे बाय मल्टीप्लाइंग विथ 2.303 अपॉन टी लॉग टू द बेस टेन ऑफ एन जीरो अपॉन एन टी, इट इज द एक्सप्रेशन फॉर डीके कांस्टेंट। दो मार्क का क्वेश्चन बनता है ये, इट इज द एक्सप्रेशन फॉर डीके कांस्टेंट। क्या है एक्सप्रेशन, लैम्बडा इज इक्वल टू 2.303 अपॉन टी लॉग टू द बेस टेन ऑफ एन जीरो अपॉन एन टी। नाउ अब ये जो इक्वेशन है, दिस इक्वेशन, ये इक्वेशन यहाँ पे इस एल एन को हम हटाते हैं, यहाँ पे हमको मिलेगा इस इक्वेशन के लिए एन जीरो अपॉन एन टी, किसके लिए रहेगा, सपोज इट इज इक्वेशन नंबर वन, एन जीरो अपॉन एन टी इज इक्वल टू ई रेस टू लैम्बडा टी। लुक एट दिस इक्वेशन, इस इक्वेशन को अगर इस फॉर्म में हम लिखना चाहेंगे दैट इक्वेशन बिकम्स, ये इक्वेशन हो जाएगी एन टी अपॉन एन जीरो इज इक्वल टू ई रेस टू माइनस लैम्बडा टी। एन टी इसकी जगह आप सिंपली एन लिखेंगे तब भी सही रहेगा, एन अपॉन एन जीरो, एन जीरो अपॉन एन, यहाँ पे सिर्फ आप एन लिखेंगे तब भी सही रहेगा, टी लिखेंगे आप तब भी सही रहेगा। दो मार्क का ये क्वेश्चन बनता है, तो यहाँ पे ये जो इक्वेशन है, दिस इक्वेशन
is for it is the rate law yeah it is the expression for decay constant. अब यहाँ पे हम रखते हैं n is equal to इसको अगर हम right side में लेके जाएंगे this equation will become nt is equal to n0 e raised to minus lambda t. ये हमको ऐसी expression ऐसा expression भी मिल सकता है हमको. So it is the expression for decay constant. ये decay constant का ये expression हुआ. Now ग्राफ प्लॉट करते हैं हम. ग्राफ कैसे प्लॉट करेंगे हम देखिए. एक्सप्रेशन हमने इक्वेशन क्या डिराइव की हमने लैम्ब्डा इज इक्वल टू 2.303 अपॉन टी लॉग टू द बेस 10 ऑफ एन जीरो अपॉन एन. एन भी लिख सकते हैं आप और एन टी भी लिख सकते हैं. यहाँ पे एन जीरो अपॉन एन इसके लिए वर्ड हम एक्टिविटी भी यूज कर सकते हैं. नाउ रीअरेंज दिस इक्वेशन. इक्वेशन जब हम रीअरेंज करेंगे देन व्हाट विल बी द इक्वेशन लैम्ब्डा टी अपॉन 2.303 इज इक्वल टू लॉग टू द बेस 10 ऑफ एन जीरो अपॉन एन टी. अब इसको राइट साइड में कैसे लिख सकते हैं हम लॉग टू द बेस 10 ऑफ एन जीरो माइनस लॉग टू द बेस 10 ऑफ एन टी. लेफ्ट साइड में हमको मिलेगा लैम्ब्डा टी अपॉन 2.303. अब इस इक्वेशन को वी कैन राइट दिस इक्वेशन लाइक दिस. log to the base 10 of n t is equal to minus lambda t upon 2.303 plus log of n0. It is n0. This equation is similar to straight line equation having intercept on y axis. Y is equal to mx plus c. X यहाँ पे रहेगा that is t. It is the slope. ये है slope. अब ये negative है यहाँ पे ये slope. इसका मतलब slope यहाँ पे हमको negative मिलेगा. It is the intercept on y axis. और ये y एक्सिस पर हमको लेना है log टू द बेस 10 ऑफ एन टी. एक्स एक्सिस पे हमको लेना है टाइम. दिस इक्वेशन इज सिमिलर टू स्ट्रेट लाइन इक्वेशन हैविंग इंटरसेप्ट ऑन y एक्सिस. द ग्राफ इज लाइक दिस. जो ग्राफ हम प्लॉट करेंगे दैट ग्राफ इज लाइक दिस. y एक्सिस पे log ऑफ n और एन टी. एक्स एक्सिस पर हम ले लेंगे टाइम. निगेटिव स्लोप है. इस तरह का लाइन हमको मिलेगा. स्लोप इज इक्वल टू माइनस लैम्ब्डा अपॉन 2.303. ये रहेगा इंटरसेप्ट ऑन वाई एक्सिस दैट इज इक्वल टू लॉग ऑफ एन जीरो. ये एन जीरो ये जो वैल्यू रहेगी ये हमको मिलेगा लॉग ऑफ एन जीरो. स्लोप इज निगेटिव. स्लोप इज इक्वल टू माइनस लैम्ब्डा अपॉन 2.303. द ग्राफ इज लाइक दिस. ठीक है. नाउ नेक्स्ट टर्म इज हाफ लाइफ पीरियड.
नेक्स्ट टर्म रेडियो एक्टिविटी जब भी आप पढ़ेंगे तो उसमें आपको एक टर्म मिलेगी दैट इज हाफ लाइफ पीरियड और हाफ टाइम. हाफ लाइफ पीरियड रेडियो एक्टिव एलिमेंट जो भी हम लेंगे उसका हाफ होने के लिए जो टाइम लगेगा दैट इज नोन एज हाफ लाइफ पीरियड एंड इट इज रिप्रेजेंटेड बाय टी वन हाफ द टाइम रिक्वायर्ड टू डिस इंटीग्रेट द रेडियो एक्टिव एलिमेंट टू हाफ ऑफ इट्स इनिशियल अमाउंट. जो भी इनिशियल अमाउंट हम लेंगे उसका हाफ होने के लिए जो टाइम लगेगा दैट इज नोन एज हाफ लाइफ पीरियड. नाउ हमने इक्वेशन डिराइव की है लैम्डा इज इक्वल टू 2.303 अपॉन टी लॉग टू द बेस 10 ऑफ एन जीरो अपॉन एन एन या एन टी इफ टी इज इक्वल टू टी वन हाफ देयर फोर एन जीरो इज इनिशियल अमाउंट एन टी इज अमाउंट रिमेनिंग एट टी वन हाफ देयर फोर ये जो अमाउंट रिमेनिंग है तो ये इनिशियल अमाउंट का हाफ देयर फोर एन टी की वैल्यू हम यहां पे रख देंगे एन जीरो अपॉन टू देयर फोर दिस इक्वेशन बिकम्स लैम्डा इज इक्वल टू 2.303 अपॉन टी वन हाफ लॉग ऑफ एन जीरो अपॉन एन जीरो अपॉन टू. ओके लाइक दिस. अब यहां पे हम रख देते हैं टी वन हाफ इज इक्वल टू 2.303 अपॉन लैम्डा लॉग टू द बेस 10 ऑफ टू एन जीरो गेट्स कैंसल्ड. क्या बचेगा यहाँ पे ये 2 इज इक्वल टू 2.303 अपॉन लैम्डा इनटू लॉग ऑफ 2 हम देखेंगे हमको मिलेगा 0.3010. जब हम इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन करेंगे हमको मिलेगा 0.693 अपॉन लैम्डा एंड इट इज द एक्सप्रेशन फॉर हाफ लाइफ पीरियड. हाफ लाइफ पीरियड का एक्सप्रेशन अगर डिराइव करने के लिए आया आपका आंसर यहां से स्टार्ट होगा इस इक्वेशन से. ये जो स्टेप है ये स्टेप लिखने की मार्क रहती है ये आपको मेंशन करना है. दो या तीन लाइन में आपका आंसर हो जाएगा. दो मार्क का ये क्वेश्चन बनता है. नाउ अब यहाँ जब हम ग्राफ प्लॉट करेंगे एक्टिविटी वर्सेस टाइम देन द ग्राफ इज लाइक दिस एक्टिविटी वर्सेस टाइम. एक्टिविटी वर्सेस टाइम अब यहाँ पे क्या होगा जैसे जैसे वक्त गुजरते जाएगा एक्टिविटी गोज ऑन डिक्रीजिंग. द ग्राफ इज लाइक दिस जैसे जैसे वक्त गुजरते जाएगा एक्टिविटी गोज ऑन डिक्रीजिंग इट इज लाइक दिस. ठीक है यहाँ पे ये क्या रहेगा प्लॉट ऑफ एक्टिविटी वर्सेस टाइम. ये हाफ टाइम रहेगा ये एक्टिविटी ये कम होते जाएगी जैसे जैसे वक्त गुजरते जाएगा. जो रेट रहेगा रेट और स्पीड इट गोज ऑन डिक्रीजिंग ये कम होते जाएगा जैसे जैसे यहाँ पे वक्त गुजरते जाएगा. ठीक है सो इट इज अबाउट द हाफ लाइफ ऑफ रेडियो एलिमेंट. रेडियो एलिमेंट का जो हाफ लाइफ है दैट इज रिप्रेजेंटेड बाय टी वन हाफ. नाउ जो यूनिट है रेडियो एक्टिविटी की जो यूनिट है दैट यूनिट इज क्यूरी. ये क्यूरी है सी आई से इसको रिप्रेजेंट किया जाता है एंड वन क्यूरी इज इक्वल टू 3.7 इंटू 10^10 डिस इंटीग्रेशन पर सेकंड डिस इंटीग्रेशन पर सेकंड. और दूसरी यूनिट इसकी आती है बेकरल. दूसरी यूनिट इसकी रहेगी दैट इज बेकरल एंड इट इज रिप्रेजेंटेड बाय बी क्यू एंड 1 बेकरल
is equal to 1 disintegration per second. Therefore, 1 curie is equal to 3.7 into 10 raised to 10 disintegration per second is equal to 3.7 into 10 raised to 10 becquerel. ये यूनिट है क्यूरी डिसइंटीग्रेशन पर सेकंड और बैकरल. ये यूनिट्स हैं रेडियो एक्टिविटी की. नाउ नेक्स्ट टॉपिक इज मोड्स ऑफ डीके. रेडियो एक्टिविटी में हमको नेक्स्ट टॉपिक मिलेगा दैट इज मोड्स ऑफ डीके. जो डीके के मोड्स हैं, रेडियो एलिमेंट्स डीके बाय थ्री वेज, अल्फा डीके, बीटा डीके एंड गामा इमिशन. नाउ फर्स्ट है अल्फा डीके. इट इज रिप्रेजेंटेड बाय अल्फा और यहाँ पे लिख देंगे हम 2,4 एंड वन पार्टिकल ऑफ अल्फा इट इज इक्विवेलेंट टू वन हेलियम न्यूक्लियस. सो इट इज अ हेवी पार्टिकल. एटॉमिक नंबर इज इक्वल टू 2 एंड मास नंबर इज 4. इट इज इक्विवेलेंट टू 1 न्यूक्लियस ऑफ हीलियम. इसका चार्ज हमको मिलेगा +2 और जो मास रहेगा ये 4u. मास के साथ ये यूनिट लगती है दैट इज u. अब यहाँ पे जो रेडियो एलिमेंट जब डीके होगा उसमें से जब एक अल्फा पार्टिकल इमिट होगा देन सपोज इट इज जनरल रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ रेडियो एक्टिव एलिमेंट. जब एक अल्फा पार्टिकल इमिट होगा यहाँ पे एक नया न्यूक्लियस मिलेगा और दिस एटॉमिक नंबर डिक्रीजेस बाय 2 यूनिट्स. मास नंबर डिक्रीजेस बाय 4 यूनिट्स और यहाँ पे हम लिख देंगे हेलियम 2,4. हेलियम भी लिख सकते हैं आप और अल्फा 2,4 भी लिख सकते हैं. बोथ आर करेक्ट. एटॉमिक नंबर डिक्रीजेस बाय 2 यूनिट्स एंड मास नंबर डिक्रीजेस बाय 4 यूनिट्स. इसको कहा जाता है पेरेंट न्यूक्लियस. इसको कहा जाता है डॉटर न्यूक्लियस. इट इज नोन एज इमिटेड पार्टिकल. ये अल्फा डीके है. जब एक रेडियो एक्टिव एलिमेंट न्यूक्लियस में से अल्फा पार्टिकल इमिट होगा जब नया न्यूक्लियस बनेगा उसका एटॉमिक नंबर पेरेंट न्यूक्लियस के एटॉमिक नंबर से 2 यूनिट कम रहेगा और मास नंबर पेरेंट न्यूक्लियस से 4 यूनिट यहाँ पे कम रहेगा. फॉर एग्जाम्पल देखते हैं हम दैट इज अ रेडियम. इसका एटॉमिक नंबर है 88, मास नंबर है 226. When an alpha particle is emitted from this nucleus, it is converted into radon 86-222. यहाँ पे हम लिख देंगे हीलियम 2,4. ठीक है. यहाँ पे है पेरेंट न्यूक्लियस. इट इज डॉटर न्यूक्लियस एंड इट इज द इमिटेड पार्टिकल इमिशन या इमिटेड पार्टिकल. सेकंड एग्जांपल अगर आप चाहेंगे फॉर एग्जाम्पल यूरेनियम 92-238. वेन एन अल्फा पार्टिकल इज इमिटेड फ्रॉम दिस न्यूक्लियस इट विल चेंज इन टू थोरियम 90-234 प्लस हेलियम 2,4. यहाँ पे अल्फा 2,4 भी आप लिख सकते हैं. देयरफॉर इन अल्फा डीके द डॉटर न्यूक्लियस formed belongs to an element that occupies 2 places to the left of the periodic table. रेडॉन की अगर पोजिशन यहाँ पे दो प्लेस लेफ्ट साइड में का एलिमेंट हमको ये रिक्वाइल न्यूक्लियस मिलेगा प्रोडक्ट न्यूक्लियस मिलेगा. दो पोजिशन लेफ्ट साइड में ये शिफ्ट हो जाएगा. कौन शिफ्ट होगा? डॉटर न्यूक्लियस. ठीक है. एटॉमिक नंबर 88 है उससे 2 यूनिट कम हो गया मतलब 2 पोजीशन लेफ्ट में का वाला हमको डॉटर न्यूक्लियस मिलेगा. सो इट इज अबाउट द अल्फा डीके.
Now, next type of decay is the beta decay. Beta decay. Next type of decay is beta decay. इसको आप इस तरह भी लिख सकते हैं, बीटा माइनस. द इमिशन ऑफ निगेटिवली चार्ज्ड स्ट्रीम ऑफ बीटा माइनस पार्टिकल्स फ्रॉम द न्यूक्लियस इज कॉल्ड बीटा डीके. ये रहेगा निगेटिवली चार्ज्ड स्ट्रीम ऑफ बीटा माइनस पार्टिकल्स. एंड ये जो रहेगा बीटा पार्टिकल जो रहेंगे, दीज आर द इलेक्ट्रॉन्स विद अ चार्ज ऑफ चार्ज एंड मास ऑफ इलेक्ट्रॉन. इट इज इक्विवेलेंट टू वन इलेक्ट्रॉन. चार्ज और मास इसका इलेक्ट्रॉन के जैसा ही रहेगा. ठीक है. अब जब यहाँ पे बीटा माइनस एक बीटा पार्टिकल जब इमिट होगा, व्हाट इज द चेंज इन द पेरेंट न्यूक्लियस एक्स जेड ए. इट इज द डॉटर न्यूक्लियस जेड प्लस वन. ए रिमेन्स एज इट इज. यहाँ पे हम लिखेंगे E माइनस वन जीरो. इसकी जगह आप बीटा माइनस लिखेंगे तब भी सही रहेगा. इट इज इक्विवेलेंट टू इलेक्ट्रॉन, क्योंकि इसका जो चार्ज और मास है, इट इज इक्विवेलेंट टू, इट इज सिमिलर टू इलेक्ट्रॉन. तो यहाँ पे आप E माइनस वन जीरो आप ऐसे लिखेंगे तब भी सही रहेगा. मतलब क्या है यहाँ पे, वेन अ बीटा पार्टिकल इज इमिटेड, एटॉमिक नंबर इंक्रीजेज बाय वन यूनिट एंड मास नंबर रिमेन्स एज इट इज. फॉर एग्जाम्पल हम देखते हैं, दैट इज नेपच्यूनियम, एटॉमिक नंबर 93, मास नंबर 238. वेन बीटा पार्टिकल इज इमिटेड, इट विल चेंज इनटू प्लूटोनियम 94, 238. ये नेपच्यूनियम, इसका एक पोजीशन आगे वाला एलिमेंट मिलेगा, न्यूक्लियस मिलेगा, दैट इज प्लूटोनियम विथ एटॉमिक नंबर 94, पेरेंट न्यूक्लियस, डॉटर न्यूक्लियस एंड इट इज द इमिटेड पार्टिकल. अब फॉर एग्जाम्पल प्लूटोनियम 94, 241, इस न्यूक्लियस में से जब एक बीटा पार्टिकल इमिट होगा, एट दैट टाइम वी विल गेट एमेरेशियम विद एटॉमिक नंबर 95 एंड एटॉमिक मास नंबर एज इट इज. इट इज द वन ऑफ द बीटा पार्टिकल. जैसा केमिकल रिएक्शंस को हम बैलेंस करते हैं, वैसे ही हमको न्यूक्लियर रिएक्शन को बैलेंस करना रहेगा. नंबर ऑफ प्रोटॉन लेफ्ट साइड में और राइट साइड में ये सेम होना चाहिए. मास नंबर लेफ्ट साइड में और राइट साइड में सेम होना चाहिए. 238 प्लस जीरो इट इज इक्वल टू 238. 93 लेफ्ट साइड में है, 94 माइनस वन इट इज 93. बैलेंस्ड इक्वेशन है, ये 94 है, राइट साइड में 95 माइनस वन दैट इज इक्वल टू 94, ये 241. लेफ्ट साइड में राइट साइड में 241 प्लस जीरो इट इज 241. जैसा न्यूक्लियर रिएक्शन केमिकल रिएक्शन हम बैलेंस करते हैं, इसी तरह हमको न्यूक्लियर रिएक्शंस को भी बैलेंस करना रहेगा. ठीक है. सो इट इज अबाउट द बीटा डीके. नाउ नेक्स्ट टाइप ऑफ डीके इट इज द गामा डीके. व्हाट हैपन्स इन गामा डीके. गामा डीके इट इज द थर्ड मोड ऑफ डीके, दैट इज गामा डीके. यहाँ पे क्या होगा, जो गामा रेडिएशंस हैं, गामा रेडिएशन इज ऑलमोस्ट ऑलवेज कंपनीज विद अल्फा एंड बीटा माइनस डीके प्रोसेसेस. जब बीटा पार्टिकल अल्फा पार्टिकल इमिट होगा, तो उसमें से कुछ एनर्जी का भी इमिशन होगा. दैट एनर्जी इज गामा रे, उसको हम कहेंगे गामा रे. ठीक है. जो रेडियो एक्टिव ट्रांसफॉर्मेशन रहेगा, द डॉटर न्यूक्लियस इज लेफ्ट इन विच एनर्जेटिकली एक्साइटेड स्टेट डीकेज टू द ग्राउंड स्टेट. जो ज्यादा एनर्जी का पार्टिकल रहेगा, इट विल चेंज इनटू लो एनर्जी स्टेट, मतलब ग्राउंड स्टेट में कन्वर्ट हो जाएगा. एक्साइटेड स्टेट इज कन्वर्टेड इनटू ग्राउंड स्टेट. एक्साइटेड स्टेट मींस स्टेट विथ हायर एनर्जी, ग्राउंड स्टेट मींस द स्टेट विथ लोअर एनर्जी.
तो जो एक्साइटेड स्टेट रहेगा वो लो ग्राउंड स्टेट में कन्वर्ट होगा, किसके कब कन्वर्ट होगा, जब यहाँ पे गामा रे इमिट होगा। फॉर एग्जांपल यूरेनियम 92-238 इट विल चेंज इनटू थोरियम 19-234 प्लस हीलियम, ये हीलियम पार्टिकल इमिट हो प्लस, यहाँ पे हम लिखेंगे कि गामा रेडिएशन, इसकी जो एनर्जी है ये कम रहेगी, एक्साइटेड स्टेट इज कन्वर्टेड इनटू ग्राउंड स्टेट, ये डॉटर न्यूक्लियस मिल रहा है और इसके साथ हमको ये गामा रेडिएशंस मिलेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे जो थोरियम रहेगा, थोरियम 234 इज लेफ्ट इन एन एक्साइटेड स्टेट विच डी एक्साइट्स टू द ग्राउंड स्टेट, ये भी एक्साइटेड, ये एक्साइटेड स्टेट में है, इसकी एनर्जी ज्यादा, इसमें से ये एक पार्टिकल निकला, एनर्जी ज्यादा है, अनस्टेबल है, इट विल चेंज इनटू अनदर न्यूक्लियस, इसकी एनर्जी ज्यादा, ये स्टेबल कब होगा यहाँ पे, डी एक्साइटेड स्टेट में कब जाएगा, ग्राउंड स्टेट में कब जाएगा, जब यहाँ पे ये गामा रे का इमिशन होगा, ठीक है। अल्फा गामा रे फोटॉन्स विद एनर्जी 0.048 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट इज इमिटेड, जब इसका इमिशन होगा तो यहाँ पे ये जो रहेगा इट अंडर गोज ग्राउंड स्टेट, ठीक है। जैसा केमिकल रिएक्शंस को हम बैलेंस करते हैं उसी तरह हमको न्यूक्लियर रिएक्शंस को भी बैलेंस करना रहेगा। सो इट इज ऑल अबाउट द रेडियो एक्टिविटी देन एक्सप्रेशन ऑफ डीके कांस्टेंट, और एक्सप्रेशन हमने देखा यहाँ पे हाफ लाइफ पीरियड का, देन मोड्स ऑफ डीके हमने देखा अल्फा बीटा एंड गामा रेडिएशंस के फॉर्म में। व्हाट इज रेडियो एक्टिविटी, द स्पॉन्टेनियस इमिशन ऑफ रेडिएशन फ्रॉम अनस्टेबल न्यूक्लियस, इट इज नोन एज रेडियो एक्टिविटी, खुद से इमिशंस इमिट होंगे यहाँ पे फ्रॉम अनस्टेबल न्यूक्लियस। देन सो दीज पार्ट्स आर ओवर, नेक्स्ट टाइम वी विल डिस्कस अबाउट द न्यूक्लियर रिएक्शंस।